गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के हमराह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बताया कि ये लोग 1 लाख अफराद तक राशन पहुंचाएंगे। अख़ुवत फाउंडेशन की मदद से सिंध में 10,000 लोगों को बिला सूद कर्जा देंगे। एक बड़ा अच्छा जामे पैकेज भी ये लेकर आए हैं रिलीफ के लिए, जो बारिश से तबाहकारियाँ हुई हैं, जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं, जो लोग इस वक्त बेयार और मददगार नज़र आ रहे हैं, उनको एक बड़ा अच्छा पैगाम भी जाएगा। और एक इन्होंने जो प्लान बनाया है, जो आज इन्होंने मुझसे शेयर किया है, वो ये है कि तकरीबन 1 लाख लोगों तक इमदादी सामान राशन पहुंचाने की ख्वाहिश है। जिस अख़ुवत फाउंडेशन की मदद से उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज दिया है 10,000 घरों का सिंध में, जहाँ पे बारिश से तबाहकारियाँ हुई, जिनके घर टूटे, जिनके घर बर्बाद हुए, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन 10,000 घरों को देंगे। 1 लाख रुपए तक की मालियत का, 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की मालियत का तखमीना लगा के जहाँ पे नुकसान हुए। गवर्नर सिंध ने कहा बारिशों से अंदरून सिंध में कराची से ज्यादा तबाही हुई है। कराची में तमाम काम सूबाई हुकूमत के हैं, वफाक सिंध हुकूमत की मदद करना चाहता है। इंटीरियर सिंध में इस वक्त डेवास्टेशन है, शायद हमारी तवज्जो ज्यादा इतनी नहीं रही, क्योंकि मीडिया का मरकज़ कराची है, बड़ा शहर है, यहाँ पे मीडिया इधर मौजूद होता है, आपके कैमरे मौजूद होते हैं, कैमरामैन हर तरफ मौजूद होते हैं, वहाँ पर इतनी तवज्जो नहीं रही, लेकिन वहाँ तबाही ज़्यादा हुई है कराची से। कराची सेंटर पॉइंट इसलिए बना कि कराची हब है, कराची मीशत में, पाकिस्तान की मीशत में रेड की हड्डी की हैसियत रखता है। ये सब हमने सारे ये जुमले सुने हुए। वफाक मदद करना चाहता है सूबे सिंध की, वफाक चाहता है कि चाहे इसके अंदर पैसा लगाया जाए, चाहे इसके अंदर कोई नया सिस्टम डेवलप किया जाए, मिलके काम करें, अपने सियासी इख्तलाफात को, मुखालफत को एक तरफ रखते हुए काम करें, बजाय ये देखा जाए कि झंडा किसका लगेगा और नारा किसका लगेगा, किसके खिलाफ लगेगा, किसके लिए लगेगा, उसके ऊपर काम किया जाए। और बहुत सीरियस एफर्ट हो रही है, मैं आपको बता। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास में कराची के लिए एक प्लान बनाया है। कराची के लिए प्लान तमाम स्टेक होल्डर्स से शेयर किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने जो कल जो मीटिंग बुलाई थी, वो एक इंतहाई अहमियत का हामिल थी मीटिंग। उसमें कराची के लिए एक प्लान बनाया गया है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान उसका नाम रखा है। उसमें बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ वो प्लान तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया गया है कराची में। और जब तमाम स्टेक होल्डर्स उस पर ऑन बोर्ड आ जाएंगे, और वो ज़्यादा लंबे टाइम की बात नहीं कर रहा, 1-2 दिन की बात आपसे कर रहा हूँ, 1-2 दिन में वज़ीर आज़म कराची तशरीफ लाकर या बैठ कर किसी गवर्नर हाउस में इंशाल्लाह वो अपना ये प्लान अनवील करेंगे, लोगों को बताएंगे, और आपको अंदाज़ा होगा वो प्लान देख के कि वाकई इस प्लान की ज़रूरत थी कराची को। एडमिनिस्ट्रेटर कराची तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत के साथ लगाया जाएगा, न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो काबिल कबूल होगा सबको, सियासी और नॉन सियासी पावर प्लेयर्स को, आम लोगों को समझ आएगी कि हाँ ये आदमी ईमानदार दयानतदार काम करने वाला इंसान है, उस तरह का शख्स लगाया जाएगा। और नापैद नहीं हुए अभी इस तरह के लोग, 3-4 लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी दयानतदारी अमीन की हैसियत से, जो एक सादिक की हैसियत से और काम करने वाला शख्स वो यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं के नामों पे गौर हो रहा है, बातचीत हो रही है, और इंशाल्लाह एक इत्तेफाक राय के साथ उसे लगाया जाएगा, पूरे पावर्स दिए जाएंगे।